हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9। तो हम लोगों ने चैप्टर जो है वह पढ़ लिया है, अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थानी भाषा से क्या तात्पर्य है। राजस्थानी भाषा से क्या तात्पर्य है, तो देखिए राजस्थानी भाषा से तात्पर्य क्या है, राजस्थान के लोगों की मातृभाषा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान की भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया। राजस्थान की भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो इसका सही जवाब है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थान की भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सभी भारतीय भाषाओं की जननी है कौन सी भाषा, वैदिक संस्कृत। इसका सही उत्तर है वैदिक संस्कृत। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थानी भाषा का विकास किस अपभ्रंश शब्द भाषा से हुआ माना जाता है। राजस्थानी भाषा का विकास किस अपभ्रंश भाषा से हुआ माना जाता है, तो इसका सही आंसर है मरु गुर्जरी अपभ्रंश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डॉक्टर गियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा। डॉक्टर गियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में बांटा, तो दो भागों में बांटा, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। तो देखिए पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी, इसके अंतर्गत प्रश्न जो है वह भी आएंगे कि इसके अंतर्गत कौन सी बोलियाँ जो है वह भी शामिल हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, पूर्वी राजस्थानी बोलियों में शामिल बोली कौन सी है, तो सही आंसर है ढूंढाड़ी, हाड़ोती, मेवाती और राठी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पश्चिमी राजस्थानी बोलियों में शामिल बोली कौन सी है। तो देखिए पूर्वी राजस्थानी में हमने देखा ढूंढाड़ी, हाड़ोती, मेवाती और राठी, तो इसके अलावा पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागड़ी और शेखावटी, ये सभी पश्चिमी राजस्थानी बोलियों में शामिल बोली हैं। तो हमने देखा था कि डॉक्टर गियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को दो भागों में बांटा था, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी बोलियाँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, थली और गोड़वाड़ी किस बोली की उपबोलियाँ हैं। थली और गोड़वाड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं, तो यह मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, मारवाड़ी किन जिलों में बोली जाती है। तो मारवाड़ी बोली जाती है बीकानेर में, जोधपुर में, नागौर में, बाड़मेर में, पाली में, जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मेवाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। तो मेवाड़ी बोली जो है वह मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, यहाँ क्या बोली जाती है, मेवाड़ी बोली। और बीकानेर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर और पाली जैसलमेर में मारवाड़ी बोली बोली जाती है। किस बोली की सबसे बड़ी विशेषता है कि वहाँ पर 6 शब्द का प्रयोग होता है, तो वह है हाड़ोती। ठीक है, तो हाड़ोती बोली जो है उसकी विशेषता है कि वहाँ पर 6 शब्द का प्रयोग बहुत अधिक किया जाता है। तो यह 6 शब्द का प्रयोग हम देखते हैं कि गुजरात क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, हाड़ोती बोली किन क्षेत्रों में बोली जाती है। तो हाड़ोती क्षेत्र में बोली जाएगी हाड़ोती बोली, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, अलवर और भरतपुर में कौन सी बोली बोलते हैं। तो अलवर, भरतपुर, ये मेवाती इलाका माना जाता है, तो यहाँ मेवाती बोली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जयपुर, दौसा, बगरू, दूदू तक कौन सी बोली बोलते हैं। तो यहाँ पर डूडाड़ क्षेत्र है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा डूडाड़ी, तो यहाँ डूडाड़ी बोली जो है वह बोली जाती है। नेक्स्ट देखिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कौन सी बोली बोली जाती है। तो यहाँ पर बांगड़ी बोली जो है वह बोली जाती है। तो हमने पहले भी देखा था यहाँ पर बांगड़ी जो नहीं है, ये क्या है, बांगड़ी,
दुगरपुर और पोस बांसवाड़ा में बागड़ी बोली बोली जाती है। तो चलिए आज हमने 15 क्वेश्चन किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे भी करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे आप लोग इनको लर्न भी करते जाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।